उत्तराखंड में कुदरत के कहर से जिंदा बची एक 3 साल की मासूम पिछले 4 दिनों से देहरादून के दून अस्पताल में बेगानों के बीच अपनों को तलाश रही है। कयामत की तबाही में ये अपनों से बिछड़ गई है। इसके माँ बाप इस दुनिया में हैं या नहीं ये भी नहीं पता। इस मासूम को ये भी नहीं पता कि नींद से जागने के बाद ये मासूम जब भी आंखें खोलती है तो बस अपनी माँ और बाप को ही याद करती है। गुड़ियों और खिलौनों के बीच ये मासूम सी गुड़िया अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध सी पड़ी है। पैरों पर प्लास्टर चढ़े हैं और जिस्म में खून की बोतल चढ़ाई जा रही है। 3 साल की ये मासूम पिछले 4 दिनों से इसी हाल में देहरादून के दून अस्पताल में बेगानों के बीच अपनों के चेहरे तलाश रही है। इसकी बंद आंखों में हजार सवाल कैद हैं, जिसका जवाब न तो शायद ऊपर वाले के पास है और न नीचे वालों के पास, क्योंकि उत्तराखंड में आए कयामत की तबाही में ये अपनों से बिछड़ गई है। इसके माँ बाप इस दुनिया में है भी या नहीं ये मासूम तो ये सवाल भी नहीं कर सकती। जुबान खोलती है तो बस अपने माँ और बाबा को ही याद करती है। गौरीकुंड में जिस रात कयामत बरपा था, उस कयामत भरी रात में इससे इसके अपनों का साथ छूट गया है और ये मासूम सी गुड़िया वहां जिंदा बचे तीर्थयात्रियों को जख्मी हालत में मिले थी, जिसके बाद वे लोग इसे अपने साथ ऋषिकेश ले आए। यहां इसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया और इसकी देखरेख का जिम्मा चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा गया। हमें ये बच्ची रविवार को मिली थी ऋषिकेश में, और उसके बाद हमें रविवार को ये वहीं पर भर्ती करी थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये अम्मा बाबा इस टाइप से बोलती है। मासूम गुड़िया की बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने इसे 24 जून को देहरादून के दून अस्पताल में रेफर कर दिया। जब ये अस्पताल लाई गई थी तो हालत बेहद नाजुक थी। इसके दोनों पैर फ्रैक्चर थे और ये अपना सुध बुध खो बैठी थी, लेकिन दून अस्पताल में इलाज के बाद इसकी हालत में सुधार आया है। इसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और उसमें हमने प्लास्टर लगा दिया है। स्थिति में इस समय तो पहले से काफी ठीक है, जब आई थी तब काफी कमजोर थी। इस नन्ही सी परी ने उस कयामत भरे मंजर को अपनी आंखों से देखा होगा जब गौरीकुंड में मची तबाही के बाद लाशें बिछ गई थी। शायद खौफ के उस मंजर को याद करके ही इसने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। बंद आंखों में हजार सपने थे, लेकिन अब अपनों से बिछड़ने के बाद इसकी दुनिया सुनी हो गई है। इस मासूम गुड़िया को अगर आप देख रहे हैं तो इसे गौर से पहचानने की कोशिश कीजिए। शायद ये आपके ही किसी जानने वालों के घर की चिराग हो, क्योंकि मासूम को अगर माँ के आंचल की छांव नसीब हो जाए और बाप का प्यार मिल जाए तो शायद हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज 24।